एक बार फिर स्वागत है आप सभी का LHTV इंडिया में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में मौसम अलर्ट, नदियों का जलस्तर बढ़ने से 22 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, रहे सावधान। तो चलिए जानते हैं कि किन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और आगे क्या है मौसम को लेकर ताजे खबर। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत पूरी यूपी में कई दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाली खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से ऐसा होने वाला है। वैसे IMD ने कहा है कि पूरी यूपी में, आपको बता दें, इस महीने बादल झूम झूम के बरसेंगे। पहाड़ों और कई स्थानों पर लगातार बारिश होने से नदियों के किनारे बसे शहरों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। वैसे लगातार बारिश से यूपी में कुछ इलाकों में ठंड जैसा माहौल हो गया है। चलिए जानते कि तापमान में और कितनी है गिरावट की उम्मीद। तो आपको बता दें, मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर JP गुप्ता ने बताया है कि मानसून दोबारा से तेजी पकड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से यूपी में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, परंतु लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इसके चलते कई दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। चलिए अब जानते हैं कि किन शहरों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो आपको बता दें, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने, आपको बता दें, 2-3 दिनों तक आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, झांसी के लिए येलो अलर्ट पर घोषित किया है। कई शहरों में गंगा, यमुना और अन्य नदियां खतरे के निशान के इर्द गिर्द ही बनी हुई है। बनारस में गंगा चेतावनी बिंदु अब सिर्फ 3 मीटर ही दूर रह गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से 22 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। उधर आपको बता दें, मौसम विभाग ने, आपको बता दें, अगस्त के बाद सितंबर में भी भारी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से थोड़ा ज्यादा पानी गिरेगा। मौसम समय से यूपी के उन जिलों में मानसून ज्यादा सक्रिय है, जहां आने वाले 7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से 22 जिले हैं जिनमें बाढ़ जैसे हालात हैं। तो आपको बता दें, घाघरा, सरयू, पांडू नदी, गंगा, मंदाकिनी, यमुना नदी किनारे बसे 22 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, महाराजगंज, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या जैसे जिले शामिल हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मानसून दोबारा से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत पूरी यूपी में कई दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाली खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से ऐसा होने वाला है। वैसे IMD ने कहा है कि पूरी यूपी में, आपको बता दें, इस महीने बादल झूम झूम के